तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं न्यू ईयर स्पेशल फोटो एडिटिंग। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को भी अपनी फोटो कुछ ऐसा एडिट करना है तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा मैं। और फ्रेंड्स मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अभी न्यू ईयर स्पेशल फोटो एडिटिंग पे, तो आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हो अगर आप लोग को भी ऐसे एडिट करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, साइड को बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस में आता रहता हूँ और प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स फोटो एडिट करने के लिए आप लोग को कुछ इस टाइप के एक पोज में फोटो क्लिक करवाना है, या फिर आप लोग को जैसा पोज अच्छा लगता है ना वैसे आप लोग अपनी फोटो क्लिक करवा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ से जाना है अपने पिक्सार्ट ऐप में। तो यहाँ पे हम लोग अपने पिक्सार्ट ऐप में क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से चले आते हैं अपने पिक्सार्ट ऐप में, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे प्लस के आइकॉन में क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को एक नीचे के साइड में ब्लैक कलर के बैकग्राउंड यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसे आप लोग को यहाँ पे कर लेना है मतलब ऐड, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने क्रॉप में, यहाँ पे टूल्स में जाना है, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे क्रॉप में जाना है और बाद में आप लोग को यहाँ पे कर लेना है इसे 3:2 साइज में यहाँ पे क्रॉप कर लेना है और यहाँ पे आप लोग को कर लेना है डन, ठीक है। ऐसा करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने ड्रॉ टूल में। तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं अपने ड्रॉ टूल में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ड्रॉ टूल में आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है, साइकन में क्लिक करना है, यहाँ पे व्हाइट कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को इसे कर लेना है यहाँ पे 3 साइज मतलब 3px का लेना है और उसके बाद यहाँ पे कर लेना है डन। और उसके बाद यहाँ पे नीचे के साइड से ऐसे बना लेना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे लाइन बना लीजिएगा जिसमें आप लोग जब भी PNG मतलब ऐड करोगे ना उसमें मतलब आप लोग को आराम से मतलब कर पाओगे आराम से अच्छे से, ठीक है। मतलब लाइन से आप लोग की जो PNG वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कर लिया हूँ मैंने। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर यहाँ पे बना लेना है एम्प्टी लेयर को। और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को जाना है अपने ऐड फोटो में और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को एक PNG मिल जाएगी, उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसे क्रॉप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें मतलब अच्छे से आप लोग ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे क्रॉप कर लीजिए हम लोगों ने और उसके बाद में ऐसे हम लोग क्या करते हैं ऐसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें मतलब आप लोग को इसीलिए मतलब इसे मतलब बैकग्राउंड बनाना सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ना आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे PNG रख सकते हो। जैसे आप लोग अच्छी बड़ी रखना है तो मतलब आप लोग बड़ा भी रख सकते हो और उसके बाद आप लोग को छोटा भी रखना है तो आप लोग रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसलिए मैंने आप लोग बताया हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा और उसके बाद में आप लोग को वैसे ही बैकग्राउंड में दे दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एक मतलब इसे क्या करना है कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस PNG को आप लोग को कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इसे ट्रांसफॉर्म कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे साइड में ले जा लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे अपने मॉडल की यहाँ पे जगह भी छोड़ दीजिएगा यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करने के लिए, यहाँ पे कर लेते हैं डन, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपनी PNG को भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेना है यहाँ पे सामने वाली को, ठीक है। थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे डन कर लेते हैं जिसमें हमारे जो मॉडल की है मतलब PNG ऐड कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है अपनी PNG में क्लिक करके यहाँ पे इसे कर लेना है मर्ज, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे अपनी लाइन वाली PNG को आप लोग को डिलीट करना है तो आप लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हो या फिर आप लोग को रखना है तो आप लोग रख भी सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कर लेना है जो अपनी PNG है ना उसको आप लोग को यहाँ पे कर लेना है यहाँ पे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है साइकॉन में और उसके बाद में यहाँ पे 3 लाइन में और उसके बाद आप लोग को इसे कर लेना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद में आप लोग को इसे नीचे के साइड में यहाँ पे ले आना है कुछ स्टेप से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आप लोग कुछ स्टेप से यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे कर लीजिएगा डन। और उसके बाद में आप लोग किसी ऑपेसिटी मतलब यहाँ पे कम कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इतना कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे मर्ज, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। मर्ज कर लेने के बाद में आप लोग को यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मतलब बैकग्राउंड है यहाँ पे बन चुका है, तो ऐसा आप लोग को यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। ऐसा आप लोग बनाने के बाद में आप लोग क्या है इसके लिए मतलब यहाँ पे सेव भी कर लेता हूँ मैं, इसमें आप लोग को यही बैकग्राउंड में मतलब दे सकूँ यहाँ पे पिक्सार्ट में जो हमारे वीडियो है उसमें की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया हूँ सेव, इसे आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ऐड कर सकते हो अगर आप लोग को मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक एम्प्टी यहाँ पे बना लेना है और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे अपने ऐड फोटो में जाने के बाद में अपनी जो फोटो होगी PNG होगी उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। पर यहाँ पे मैं स्टिकर में जाऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपने यहाँ पे PNG को। अगर आप लोग को नहीं बनता है कि मतलब बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं तो आप लोग को ऊपर में एडिटर में मैं वीडियो दे दूँगा, आप लोग देख के कर सकते हो, उसमें मतलब बता दिया था कैसे आप लोग करना है, ठीक है। वैसे आपसे बन ही जाता होगा बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं अपने मॉडल का। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है कुछ स्टेप से ऐड, ठीक।
ठीक है, यहाँ पे कर लिया हूँ मैंने। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो PNG होगी ना उसे आप लोग को यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसे ट्रांसफॉर्म कर लेना है जैसे कि हम लोगों ने वाली PNG करे थे, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद इसे आप लोग को नीचे के साइड में यहाँ पे कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स से आप लोग कर लीजिएगा, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा कर लेना है आप लोग को, आराम से करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया हूँ मैंने, उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन, ठीक है। तो आप लोग आराम से करिएगा, उसके बाद आप लोग को उसको नीचे कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे अपनी जो PNG है उसे आप लोग को यहाँ पे कर लेना है मर्ज, ठीक है। उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो अपनी PNG है ना उसको आप लोग को यहाँ पे ऑपेसिटी कम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे कर लेने के बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है आप लोग को बताता हूँ मैं, इसे आप लोग मर्ज कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इसे हम लोग यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, तो कुछ स्टेप से आप लोग को कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे एक एम्पली यहाँ पे बना लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जाना है अपने ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद में आप लोग को एक PNG और मिल जाएगी, उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग उसे ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, और ये PNG आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसे आप लोग स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद में आप लोग को इसे कुछ स्टेप्स यहाँ पे साइड के मतलब लगा लेना है कुछ स्टेप से, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, वैसे आप लोग लगा सकते हो। अगर आप लोग को लगाना है तो आप लोग लगा ही लीजिएगा, अगर नहीं लगाना है तो आप लोग नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं नीचे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसे आप लोग को कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद में आप लोग को इसे ट्रांसफॉर्म कर लेना है, ठीक है, कुछ स्टेप से यहाँ पे, तो ये साइड में भी आ जाएगा। अगर आप लोग को ऐसा करना है तो आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक एम्प्टी लेयर यहाँ पे बनाना है, और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे एक PNG और मिल जाएगी, उसे भी आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस PNG को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये हैप्पी न्यू ईयर वाली है, ठीक है। तो इसे आप लोग ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और कुछ स्टेप से हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए, उसे यहाँ पे नीचे के साइड में कर लेते हैं अपने मॉडल के, तो जिसमें ये ऐड हो जाएगी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो कुछ स्टेप से आप लोग यहाँ पे अपने मॉडल के पीछे के साइड में भी लगा सकते हो, यहाँ ऊपर में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ स्टेप से यहाँ पे आप लोग क्या है नीचे के साइड में भी लगा सकते हो जिसमें अच्छे लगेगा, पर यहाँ पे ऊपर के साइड में मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ पे कर लेता हूँ साइड में क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हो चुका है सब काम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मतलब हमारा जो मॉडल है सब कुछ ऐड हो चुका है, हमारी फोटो भी बढ़िया बन चुकी है यहाँ पे, और मतलब क्वालिटी भी होगी अच्छी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत बढ़िया हमारी फोटो लग रही है, पर हम लोग क्या है ना कि थोड़ा सा रिटच करेंगे अपनी लाइटरूम ऐप में जिसमें हमारी फोटो और भी बढ़िया लगेगी। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या है ना अपने बैकग्राउंड में छोटा सा कट लगा लीजिएगा, पर यहाँ पे अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेव कर लेते हैं हम लोग अपनी फोटो को, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं अपनी लाइटरूम ऐप में, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइटरूम ऐप में आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है अपनी मतलब फोटो को ऐड कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोटो को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारी फोटो आ चुकी होगी, तो यहाँ पे हमारी फोटो आ रही है रही, तो इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है इस आइकॉन में, और इसके बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, यहाँ पे हाईलाइट्स को बढ़ा लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे शैडोज को क्या करना है आप लोगों को क्या करना है थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो और भी बढ़िया लगेगी आप लोग की फोटो। उसके बाद यहाँ पे वाइट्स को क्या करना है आप लोगों को थोड़ा सा कम कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक को भी हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं साइकॉन में, मिक्स में क्लिक करते हैं। मिक्स में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग का ऑरेंज मतलब जो फेस है वो वाइटनिंग है अच्छे से, तो आप लोग क्या है सैचुरेशन कम करके लूमिनस बढ़ा लीजिएगा, पर यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा ही वाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं इस आइकॉन में जाते हैं, रेड कलर सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, रेड का कलर मतलब सिलेक्ट करके। और उसके बाद में यहाँ पे मैं ब्लू में जाता हूँ, ब्लू का सैचुरेशन यहाँ पे कम कर लेता हूँ, तो और बढ़िया मतलब हमारी फोटो लग रही है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चश्मे के हम लोग कलर बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो कलर है तो उनका सैचुरेशन यहाँ पे कम करेंगे, तो वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। यहाँ पे चश्मे के कलर हम लोगों ने चेंज करी है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग सैचुरेशन कम करके यहाँ पे ब्लैक कर सकते हो उसे, ठीक है। उसके बाद आप लोग कर लेना है यहाँ पे डन, और उसके बाद में आप लोग जाना है साइकॉन में, और यहाँ पे जाना है आप लोग को टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, उसके बाद में आप लोग को विग्नेट इफेक्ट थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे जाना है साइकॉन में, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा शार्पनेसिंग बढ़ा लेना है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया लग रही है। यहाँ पे कुछ स्टेप से थी हमारी फोटो, और हम लोग ने यहाँ पे लाइटरूम में कुछ ऐसा कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारी फोटो लग रही है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग इस फोटो एडिटिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फोटो को सेव कर लेते हैं यहाँ पे शेयर में क्लिक करके, और यहाँ पे हम लोग सेव टू डिवाइस, और यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो रही है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा वीडियो, तो फिर यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।